हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम आप लोगों को विभाजिता का नियम बताएंगे, मतलब विभाजिता की जांच करना बताएंगे। विभाजिता की जांच करना यदि आप सीख जाते हैं तो किसी भी हिसाब को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि बड़े से बड़ा अंक को भी, संख्या को भी हम आसानी से काट सकते हैं। और विभाजिता के नियम पर आधारित किसी भी कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन जो होता है उस पर जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन की दूर की बात है, ऐसे भी जनरल अगर हिसाब को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, आसानी से उसमें तेजी लाना चाहते हैं, गति लाना चाहते हैं, तो हमें विभाजिता के नियम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके विभाजिता के नियम की जाँच के बारे में आपको बताते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि दो से विभाजिता कैसे होता है। तो कोई संख्या दो से विभाज्य होती है यदि उसके इकाई स्थान यानी अंत में या तो जीरो होगा, दो होगा, चार होगा, छः होगा या आठ होगा। तो इसके अंत में चाहे इकाई स्थान पर हम कह सकते हैं कि दो से विभाजिता का नियम क्या है। तो इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या क्या रहेंगे, जीरो, दो, चार, छः या आठ, इसमें से कोई एक अंक होगा तो वह संख्या दो से विभाज्य होगा। जैसे जैसे मान लेते हैं ये हो गया 520, अंत में क्या है, जीरो है, ये दो से विभाज्य होगा। उसके बाद है 342, ये भी क्या होगा, दो से विभाज्य हो जाएगा। 538, ये क्या है, दो से विभाज्य होगा। तो दो से विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर जीरो, दो, चार, छः या आठ में से कोई एक अंक होता है। अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या है, तीन से विभाजिता का नियम क्या है। तीन से विभाज्यता, तीन से विभाज्यता, तो कोई संख्या तीन से विभाज्य तब होती है जब उसके अंकों का योगफल तीन से विभाज्य होता है, यानी अंकों का योगफल, यानी क्या होगा, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल तीन से विभाज्य हो, तीन से विभाज्य हो, अंकों का योगफल क्या है, तीन से विभाज्य हो। अंकों का योगफल मान संख्या के अंक का योगफल अगर तीन से विभाज्य है तो अब पूरी संख्या में भी तीन से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 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 1332 हो गया, 1332 होगा, इसके अंक को जोड़ के देखिए, तीन एक चार, तीन सात, दो नौ, नौ में तीन से भाग लग रहा है, तीन तिहाई नौ, तो इस 1332 में भी तीन से भाग लग जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 132 हुआ, 132, 132 को जोड़िए, तीन एक चार, दो छः, छः में तीन से भाग लग जाएगा, तो इस संख्या में भी तीन से भाग लग जाएगा। तो ये हुआ तीन से विभाजिता का नियम। अब देखेंगे आप लोग चार से विभाजिता क्या है, चार से विभाजिता, कोई संख्या चार से विभाज्य कब होगा, जब उसके अंत में दो गो जीरो होगा, जब उसके अंत में दो गो जीरो होगा, या अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होगा, अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होगा, यानी अंत में क्या है, दो गो शून्य होगा, या अंतिम दो अंक चार से क्या है, चार से विभाज्य हो, अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो। जैसे जैसे मान लेते हैं ये हो गया 7500, अंत में दो जीरो है, तो ये भी क्या होगा, चार से विभाज्य होगा। या कितनों बड़ा संख्या लिख दीजिए, ये मान लेते हैं अंत में 28 है, 28 में चार से भाग लग जाएगा, तो पूरे संख्या में भी चार से भाग लग जाएगा। या देखिएगा कितनों बड़ा संख्या लिख दीजिए, जैसे अंतिम दो अंक कितना है, 12 है, 12 में चार से भाग लग जाएगा, तो ये पूरे संख्या में भी चार से भाग लग जाएगा। कितना आसान है, देखिएगा इतना बड़ा संख्या लिख दिया फिर भी हम जान गए कि इसमें चार से भाग लग जाएगा। तो यह चार से विभाजिता का नियम हुआ कि अंतिम दो अंक या तो जीरो होगा या चार से विभाज्य होगा, अंतिम दो अंक में चार से भाग लग जाएगा, या अंतिम में दो गो जीरो होगा तो वह संख्या क्या होगा, चार से विभाज्य होगा।
हाँ, तो चार से विभागता का नियम आप लोग जान गए कि अंतिम अंक क्या रहेगा, या तो दो जीरो रहेगा या उस अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होगा। अब देखते हैं आगे पांच से विभाज्यता का नियम, पांच से विभाज्यता का नियम, यानी पांच से विभाज्यता, पांच से विभाज्यता। तो जिस संख्या के इकाई अंक यानी अंतिम अंक या तो जीरो होगा या पांच होगा, जिस संख्या का अंतिम अंक या तो जीरो होगा या पांच होगा, वह सभी संख्या जो है पांच से विभाज्य होगा। यानी इकाई अंक, इकाई अंक जीरो या पांच हो, तो इकाई अंक जीरो और पांच होगा तो वह संख्या क्या है, पांच से विभाज्य होगा। जैसे जैसे ये हो जाएगा, ये जीरो अंक में है, पांच से विभाज्य होगा, ये क्या है, अंक में पांच है तो इसमें भी पांच से भाग लग जाएगा। पांच से विभाज्यता का नियम सबसे इजी है कि इसके इकाई स्थान पर या तो जीरो होगा या पांच होगा। अब आते हैं छ से विभाज्यता, छ से, छ से विभाज्यता। तो जो संख्या दो और तीन दोनों से विभाज्य होगा, जो संख्या दो और तीन दोनों से विभाज्य होगा वो संख्या छह से विभाज्य होगा। दो और तीन दोनों से विभाज्य होगा, जैसे दो और तीन दोनों से, दो दो चार एक पांच, एक छह हो गया। मान लेते हैं ये अंत में क्या है, जीरो है, तो ये तो दो से विभाज्य होबे करेगा, और तीन से विभाज्य है कि नहीं जांच लेते हैं। तो दो अदू चार अदू छ, अंक के योग में भी तीन से भाग लग रहा है, तो यह संख्या भी क्या होगा, छ से विभाज्य होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 132 हुआ, तो तीन दो पांच एक छ, अंत में दो है तो यह दो से तो भाग लग ही जाएगा, और अंकों का योग कितना है, तीन और दो पांच एक छ है, इसमें भी तीन से लग जाएगा, तो इसमें दो और तीन दोनों से विभाज्य है, तो यह क्या है, छ से विभाज्य होगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे वाला भी कुछ बताते हैं। हाँ, तो देखिए सात से विभाज्यता का नियम क्या है, तो सात से वो सारी संख्या विभाज्य होती है जिसकी पुनरावृत्ति छ बार होती है। जैसे देख सकते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति छ बार होती है, छ बार होती है। जैसे दो भी लिखना है तो छ को लिख दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ, तो ये हो जाएगा। तीन लिखना है तो ये भी छ को लिख दीजिए, चार पाँच छ। पाँच लिखना है छ, तो मैंने इसकी पुनरावृत्ति छ बार होती है, जिस संख्या की पुनरावृत्ति छ बार होती है वह सारी संख्याएं जो है क्या है, सात से विभाज्य होती है। अब देखिएगा आठ से विभाज्यता, आठ से विभाज्यता, आठ से, आठ से विभाज्यता, आठ से विभाज्यता। कोई संख्या आठ से विभाज्य होती है, इसका अंतिम तीन अंक अगर जीरो हो, अंतिम तीन अंक जीरो हो, या अंतिम तीन अंक में आठ से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे जैसे एक कितनों बड़ा लिख दीजिए, देख लीजिए 128 हो जाएगा, अंत में तीन अंक क्या है, इसमें 16 आठ 28, इसमें क्या है, आठ से लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। या तीन को सुनना रहेगा, इसमें भी आठ से लग जाएगा, या तो ये हो गया, जैसे कि अंतिम अंक तीन अंक 128, इसमें आठ से लग जाएगा, अंतिम तीन को जी सुनना है, ये भी इसमें भी आठ से भाग लग जाएगा। तो आठ से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम तीन अंक या तो जीरो होगा या आठ से विभाज्य होगा, तो सारी संख्या में आठ से भाग लग जाएगा। एगो लास्ट है हम नौ से विभाज्यता का नियम, क्या है, नौ से विभाज्यता का नियम, नौ से विभाज्यता, क्या है, नौ से विभाज्यता। तो कोई संख्या नौ से विभाज्य तब होती है जब उसके अंकों का योगफल नौ से विभाज्य हो, अंकों का योगफल क्या है, नौ से विभाज्य हो, अंकों का योग, अंकों का योग
नौ से विभाज्य हो, अंकों का योग नौ से विभाज्य हो, जैसे जैसे पाँच चार नौ तीन बारह एक तेरह, तेरह आई पाँच अठारह, पाँच चार नौ तीन पाँच चौदह, पाँच पाँच दस चार चौदह, तीन सत्रह एक अठारह। अंत में मैंने अंत में से मतलब नहीं है, इसका अंकों का योग कितना है, अठारह है, अठारह में नौ से भाग लग रहा है तो ये संख्या में भी नौ से भाग लग जाएगा। फिर एक और उदाहरण देख लीजिए, दो तीन पाँच चार नौ तीन बारह चार सोलह दो अठारह, जोड़ लीजिए तीन दो पाँच चार नौ तीन बारह चार सोलह अधो अठारह, अठारह में क्या नौ से भाग लग रहा है, लग रहा है तो इस संख्या में भी नौ से भाग लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि विभाज्यता का जांच आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह की और भी रोचक इंटरेस्टिंग वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।